माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021, विषय गणित, कक्षा है 10। इस मॉडल पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, उनका हल हम देख लेते हैं किस प्रकार है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर के, वो हम आगे वाले वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अंत तक। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 17 का वर्ग होगा। तो वर्ग का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है, जैसे 17 आपको दिया गया है तो आपको 17 को 17 से ही गुणा करना है। तो 17 को 17 से गुणा करने पर कितना आएगा, 289। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 289। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, बहुपद fx बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा। ये बहुपद दे रखा है, इसमें अगर हम x की जगह 2 रख दें, कितना मान रखना है, x बराबर 2, तो इस बहुपद का मान कितना आएगा। तो हम x की 2 रखते हैं x के बराबर, तो यहाँ पर 4x प्लस 2 है, तो 4 गुणा 2 प्लस 2 ऐसे रखेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। यानी ये जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जो शून्यांक होंगे उनका योग कितना होगा। तो जो द्विघात समीकरण होती है उसके शून्यांक को हम एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, दूसरा क्या बोलते हैं, बीटा बोला जाता है। सॉरी ये सही राइट नहीं हुआ, मैं दोबारा लिखता हूँ। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इस तरीके से अगर दोनों शून्यांकों का हम योग देखें, अल्फा प्लस बीटा का मान देखें, तो ये होता है माइनस बी बटा ए। ये बी और ए क्या होते हैं, जो आपकी द्विघात समीकरण होती है उसका रूप ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। तो इस द्विघात समीकरण के जो शून्यांक होते हैं उनका योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी बी जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो उसका माइनस का निशान लगाएंगे हम, और दोनों जो शून्यांक है उनका गुणा अगर हम निकालें, अल्फा गुणा बीटा ये होता है सी अपॉन ए, सी लास्ट वाली वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है, b का जो मान है वो 2 दे रखा है, यहाँ पर पीछे निशान माइनस का है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस बी अपोने, एक माइनस तो यहाँ पर है, एक माइनस ये है, तो माइनस फिर b का मान हो जाएगा माइनस 2 बट्टा 1, क्योंकि 1 की जगह कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 बट्टा 1, 2 का 1 में भाग देने, सॉरी 2 में 1 का भाग देने पर कितना आएगा, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में प्रश्न संख्या चार आपको यहाँ पर दी गई है, साइन पाई बाई 6 का मान कितना होगा। पाई बाई 6, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन में होता है, इसको अगर हम चेंज करें डिग्री में तो पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो साइन पाई बाई 6, तो साइन कितना हो जाएगा, 180/6, तो 180 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसके बाद क्वेश्चन संख्या पाँच आपको यहाँ पर दी गई है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक चीज़ आप हमेशा यहाँ पर याद रखेंगे, मैं आपको समझा भी देता हूँ, कि जब परछाई और लंबाई आपको दोनों बराबर दी जाती है तो उस डिग्री में, उस कंडीशन में जो उन्नयन कोण होता है उसका मान हमेशा 45 डिग्री रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस प्रश्न में। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम एक, या फिर ये समझ लो कि ये खंभा है और ये खंभे की क्या है, परछाई, ये दोनों बराबर हैं। सूर्य का, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण इस तरीके से बनता है, ये परछाई है और ये खंभे की लंबाई, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर।
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन कोण होगा वो यहाँ पर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं थीटा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने की जो साइड है उसको क्या मानेंगे हम, लंब मानेंगे, और नीचे वाली साइड को क्या मानेंगे, आधार। तो लंब और आधार, यहाँ पर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। हमारे पास लंब भी उतना ही है और आधार भी उतना है, यानी दोनों बराबर हैं। तो लंब की जगह भी हम एक्स लिख सकते हैं, आधार की जगह भी हम एक्स लिख सकते हैं। लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार यानी एल बटा ए। दोनों का मान बराबर है, इसका मान पाँच आएगा, एल का मान पाँच आएगा, तो ए का मान भी कितना आएगा, पाँच। तो हम क्या लिखेंगे, पाँच बटा पाँच, और बराबर कितना हो जाएगा, एक। यानी टेन थीटा बराबर कितना आएगा, एक। यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर, मैंने क्या लिखा है, एक्स बटा एक्स यानी एक बटा एक। अब टेन थीटा में एक जो वैल्यू होती है, टेन थीटा में एक किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 45 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः आपके यहाँ दिया गया है, बिंदु पाँच और माइनस दो की एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे, पहला जो बिंदु में दो वैल्यू जो दी गई हैं, पहली जो वैल्यू होती है ये एक्स का निर्देशांक होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई का निर्देशांक। अगर आपको एक्स से एक्स एक्स से दूरी पूछी जाए तो वाई निर्देशांक वो आएगा, और अगर वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो जो एक्स का निर्देशांक है वो आएगा। दूसरी एक चीज़ हमेशा ये भी ध्यान में रखनी है कि दूरी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी माइनस में नहीं आती। यहाँ पर आपको एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो ये वाई वाला मान आएगा, लेकिन ये माइनस दो है, लेकिन हमें क्या लिखना है, माइनस नहीं लगाना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, दो इकाई। इसके बाद क्वेश्चन संख्या सात है, सात आपको यहाँ पर दिया गया है, आकृति में डी ई समांतर बी सी, यानी डी ई भुजा और बी सी भुजा दोनों समांतर है। ए डी बराबर 4 सेमी, बी डी बराबर 6 सेमी, ए बराबर 5 सेमी हो तो ई सी का मान ज्ञात करो। यहाँ पर यह आकृति आपको इस तरीके से आकृति दी हुई, एक त्रिभुज दिया हुआ है, बीच में एक लाइन खींची हुई है, इसका नाम लिखा हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर दे रखा है डी और ई। यहाँ पर डी ई भुजा और बी सी भुजा दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ए डी जो भुजा है वो आपको 4 सेमी दे रखी है, यहाँ पर 4 सेमी दिया गया है, और बी डी जो भुजा है वो 6 सेमी दे रखी है, ए ई 5 सेमी दे रखी है, और ई सी आपको निकालनी है। तो यहाँ पर डी ई भुजा और बी सी भुजा दोनों समांतर हैं, तो समांतर हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है कि ए डी भुजा बटे बी डी भुजा बराबर ए ई भुजा बटे ई सी भुजा, यानी ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी कितनी है, 4 सेमी, तो 4 बटे 6। ए कितनी है, 3 है, तो 5 है, 5। इसी हमें ज्ञात करने, तो इसको एक्स मान लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 6 बराबर 5 बटे एक्स। तो 4 को हम एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। 6 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर 4 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो भाग लग जाएगा 30 में 4 का, तो कितना आएगा, 7.5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7.5। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 8 है, तीन संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है। तो संरेखीय बिंदु का मतलब होता है तीन ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में स्थित हों, इस तरीके से। तो इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त जो होता है वो तीनों लाइन को टच करे, यानी तीनों बिंदुओं को टच करे, तो ऐसा कोई वृत्त नहीं होता। जो तीन सीधी लाइन पर स्थित तीन बिंदु उनको एक साथ टच करे, तो यहाँ पर वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 आपको यहाँ पर दिया गया, एक गोले का व्यास 6 सेमी है, तो गोले का आयतन कितना होगा। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो 4/3, तो हम 4/3 लिखेंगे, पाई का मान हमें पाई रखना है, और आर का मान कितना है, 3 है, आर की घात 3 है, तो हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 बार आ जाएगा। यहाँ पर 1 3 से 1 3 कट हो जाएगा, तो क्या बच गया, 4 π 3 × 3 गुणा करेंगे, 4 × 3 से गुणा करेंगे 12 × 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और पाई अपनी जगह है तो पाई यहाँ पर रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36π। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया गया है, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक
माध्यिक अगर आपको निकालना है तो पहले जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है उसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 2, 3, 5 और 9। माध्यिक निकालना है तो माध्यिक सबसे बीच की वैल्यू होती है, यानी बीच का मान होता है। दो आंकड़े हम पीछे छोड़ देंगे, दो आंकड़े हम आगे छोड़ देंगे, तो बीच वाला आंकड़ा कितना है 3, तो माध्यिक कितना हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे आपके, ये हल कर चुके हैं हम। अगर इन क्वेश्चनों में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आगे के क्वेश्चन हैं जो 10 के बाद में वो अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।